आज ओबीसी समाज के जो प्रतिनिधि थे उनकी बैठक हुई है, उसमें कई लोग थे और उनके मन में जो संभ्रम था कि मराठा समाज को आरक्षण से लेकर वो दूर हुआ है। मराठा समाज को जब पहले आरक्षण जब हमारी सरकार ने दिया था, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तब भी ओबीसी के समाज में यही डर था कि हमारा आरक्षण कम होगा क्या। लेकिन तब भी हमारी वही भूमिका थी, मराठा समाज को आरक्षण दिया था तब, ओबीसी का कम आरक्षण नहीं किया था। आज भी हमारी वही भूमिका है, मराठा समाज का जो रद्द हुआ आरक्षण है उसे फिर से दिलाने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। और ये देते वक्त ओबीसी समाज या अन्य समाज के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होगा। उसके साथ ओबीसी के कई और अन्य इश्यूज थे, जैसे विद्यार्थी को लेकर, सारथी बार्टी महाज्योति को लेकर, हॉस्टल को लेकर, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार ने पूरी तरह ओबीसी समाज के बातों को गंभीरता से लिया है और इससे आज की बैठक सफल हुई है, उनका समाधान हुआ है और सरकार की भूमिका